आठवा पुलिस स्टेशन की हद में एक दीपेश सनोप संजय भाई राठौड़ करके 19-20 साल का एक लड़का था। वो अपनी नानी के घर जो रुद्रपुरा कुबेरदासनी वाड़ी के पास में है, वहाँ पे रात को लेट नाइट आया और आके सो गया और सुबह उठा नहीं। सुबह उसकी डेथ हो गई तो उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में तुरंत एक एडी रजिस्टर की गई। पुलिस स्टेशन से जब सिविल हॉस्पिटल में जब उसका पीएम किया गया तो डॉक्टर्स ने प्राइमरी बताया कि उसकी बॉडी पे इंजरी के बहुत सारे निशान हैं। तो तपास की गई, उसका मोबाइल का डाटा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि वो व्हाट्सएप कॉल पे कल दिन में किसी से बात कर रहा था। उन नंबर की तपास की गई तो वो नंबर बिनल करके लड़की है उसका है, वो हर्षद भाई कहार की वाइफ है। तो उसकी वाइफ से ये मरण जनार जो है दीपेश ये बात करता था। तो इसी डाउट में कि उनके बीच में कुछ गलत संबंध है, इस डाउट में हर्षद भाई कहार और उसके साथ वाले धर्मेश भाई कहार दोनों ने मिलके रात को उसको पीटा था। जो हस्बैंड है हर्षद भाई कहार, उसने व्हाट्सएप कॉल पे लड़की के साथ लड़की अपनी वाइफ को मरण जनार के साथ बात करते हुए देख लिया था। तो इस बात को लेके वो गुस्सा हो गया था और वहाँ जो मरण जनार दीपेश है उसकी नानी का घर है बगल में, वहां जाके उसको घर से बाहर बुला के दोनों ने पीटा था। इमिडिएटली उसकी डेथ नहीं हुई, वो अपने घर चला गया था और वहां जाके सो गया। बाद में उन इंजरीज की वजह से अभी प्राइमरी ओपिनियन जो है इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई है। दोनों आरोपी जो है उनको डिटेन किया गया पुलिस स्टेशन में और उन्होंने कबूल किया है कि इस वजह से उन्होंने रात को उसको पीटा था। तो अभी आगे की तपास चल रही है।